आप लोगों को तो ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन तो दे दिया, प्रोवाइड कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो ऐसे नहीं करेगा, हम लोग इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड नहीं करेगा, जब हम लोग मन चाहेगा आएगा। तो आज का हम लोग का वही है, आप लोग का इधर कुछ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कंप्लेन बॉक्स लगाया है, कंप्लेन बॉक्स कंप्लेन बॉक्स नहीं लगाया, ये लगाना चाहिए स्कूल में, हर स्कूल में, समझ रहे हो ना? आप नोट करके रख सकते हैं, स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम से वो कंप्लेन बॉक्स में लगाएगा उसको प्रिंसिपल निकाल के देखना है क्या समस्या है स्टूडेंट्स का, समझ गया ना? आरटी एक्ट इम्प्लीमेंट किया है ना आप लोग का इधर, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इम्प्लीमेंटेड है, प्री एजुकेशन दे रहे हैं ना, परमानेंट एजुकेशन नंबर बना दे रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स का। उसका तो बना रहा है, वो एक सर है अभी क्लास ले रहा है, वो पूरा उसका हैंडल करते हैं। कौन सा रहे? इंग्लिश टीचर अभी क्लास ले पढ़ा रहे। ओ ठीक है ठीक है। पर सैनिटरी नैपकिन गवर्नमेंट से जो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है आप लोग को मिलता है? सैनिटरी वो हम लोग खरीद लेते हैं, ये ऑर्डर हम लोग एक्चुअली एपीटी हम लोग मेन सेंटर है तो उसमें से जो भी हम रिक्वायरमेंट होते हैं उसको लाते हैं, अभी गर्ल्स के लिए वो अवेलेबल होते हैं। पोक्सो एक्ट के बारे में तो मालूम है आप लोग, स्टूडेंट्स लोग को बताता है ये एवर करता है रिगार्डिंग पोक्सो एक्ट? जी उसका तो क्लासेस एक लास्ट टाइम भी हम लोग एक क्लास गर्ल्स के लिए अलग से लिखा था, उनको क्लासेस वगैरह इसके लिए स्पेशली टीचर तो स्पेशलिस्ट टीचर तो नहीं है, फिर भी बीइंग अ गर्ल टीचर लेडीज टीचर हम लोग तो उसको थोड़ा बताते हैं। बीइंग अ टीचर आप ये सब पोक्सो एक्ट के बारे में स्टूडेंट्स लोग को समझाना तो आप लोग का काम है। पोक्सो एक्ट को समझाने के लिए अलग से प्रोवाइड तो टीचर नहीं कर पाएगा ना गवर्नमेंट ना, क्योंकि काउंसलर कोई कोई जगह में तो काउंसलर्स वगैरह भी होते हैं तो हमारा पास तो वो नहीं है। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर आप लोग को मालूम है? उसको तो मालूम नहीं है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो 1098 होता है उसको भी स्कूल में डिस्प्ले करके रख देना है, बड़ा बोर्ड बना के, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, समझिए ना। और आप लोग का इधर का मेन एक चीज है ये डेमार्केशन स्कूल का क्या है, लैंड डेमार्केशन, और हम आज ये प्रिंसिपल सर को इंफॉर्मेशन भी दे दिया ऑलरेडी हम लोग का तरफ से, बाय टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी उसको बोला आज एसएमसी मेंबर को भी लाने के लिए, लेकिन उसने कहा अभी तक एसएमसी मेंबर नहीं बनाया स्कूल का, विदाउट एसएमसी मेंबर कैसे अभी तक, इतना 2 साल हो रहे तो ना, ये तो सेकेंड सेशन हो रहा है, तो सेकेंड सेशन रन हो रहा अभी तक क्यों एसएमसी मेंबर नहीं बनाया इधर? एक्चुअली ऐसा है सर, एज पर मेरा इन्फॉर्मेशन है हम लोग वी के वी इसको कंडक्ट कर रहे हैं तो वी के वी अडॉप्ट किया है, तो वी के वी के अनुसार यहाँ से नॉमिनेशन होके जाता है, नॉमिनेशन नाम नेम भेजा है बोला है, फिर उधर से जब तक रिप्लाई नहीं आते हैं तो उधर से शायद आ जाएंगे, तो वो सार होते तो ऑथेंटिक अपॉइंटमेंट्स दे पाते हैं कौन कौन सा किस कब भेजा है क्या भेजा है, हमको उतना पता है नॉमिनेशन नेम तो भेज दिया है लेकिन उधर से वो वापस नहीं आया है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हम जो नॉमिनेशन पेपर आप लोग उधर भेजा है उसका कॉपी तो होगा आप लोग के पास? अभी तो मेरा पास तो नहीं है क्योंकि सर तो वो हमको देके नहीं दिया सर, प्रिंसिपल सर। अच्छा ये स्कूल लैंड एक्विजिशन तो हो गया, एलपीसी बनाना है स्कूल के लिए उसका पेपर अभी तक शायद नहीं मिला है। आप लोग का जो लास्ट ईयर ये सेशन में ना जो स्कूल से यहाँ इंटरव्यू देके पास हुआ है उसका पूरा एनरोलमेंट चाहिए हम लोग को, उसको दे दीजिए, समझ गया ना। और आप लोग का इसमें कितना टीचर से कितना स्टूडेंट से ना आप रिटेन में दिखा दीजिए, आपका रजिस्टर को दिखा दीजिए, और यहाँ में सर एक तो इलेक्ट्रिकल पोस्ट है ना पावर का कहाँ में है थोड़ा बाद में दिखा दीजिए, हाँ उसको तो हटाना पड़ेगा आप लोग,
मेन पावर जरूरी होने से तसु को बोला हम लोग बता देगा मदद करेगा बाउंड्री के लिए भी सर हां बाउंड्री नहीं है स्कूल का ऊपर सर ये हो रहा है ग्राउंड का बीच में आप दिखाई आप लोग का इधर क्लास 6 में एडमिशन होता है क्लास 5 से पाइप का एंट्रेंस देता है ना लेकिन अभी देखा गया है कोई कोई स्कूल से क्लास 7 में 8 में पढ़ने वाला बच्चा लोग को क्लास 4 पास का सर्टिफिकेट देके यहाँ भेज देता है तो क्लास 7 में 8 में ऑलरेडी पढ़ने वाला क्लास 5 का तो आराम से क्रैक कर लेगा ना जो ऑलरेडी क्लास 5 में पढ़ रहे उसको विक्टिमाइज बन रहे ना वो ना ये एक तरफ से ये भी तो माने सही नहीं तो समझ गया ना तो इसलिए आप लोग ये जितना एनरोलमेंट है ये कौन सा स्कूल से आया है ना ये जानना बहुत ज़रूरी है हम लोग को हम लोग ये लिस्ट को ले जाएगा जो स्कूल से है उसका लास्ट ईयर का सेशन का अटेंडेंस देखेगा कौन सा स्कूल में था बोलने से हम लोग वो लोग उधर का जो हेड टीचर होता है उसको भी समझाएगा रिक्वेस्ट करेगा दोबारा ऐसा मत करो जो क्लास 5 का है 5 का ही भेजो सही है ना उसके लिए ज़रूरी है ना निकल लीजिए उसका इंफॉर्मेशन अभी हम लोग जो आप लोग का जो सैनिटरी ये सब सिस्टम है उसको हम लोग थोड़ा विजिट करेगा नुंड में ही हॉस्टेल जो अच्छी नाम अलग जीतो रहे पक्का जीतो पक्का जीतो में ही जीतोगा माचो अच्छा खाना क्या क्या प्रोवाइड करता है मंडे को क्या देता है आप लोग को मंडे को क्या क्या देते हैं कोई तो मंडे को क्या क्या देते नैपकिन मिलता है सैनिटरी नैपकिन कब दिया था जब जरूरी होती तब मांगने से देते हैं मांगने से देता है जब जरूरी होता है ये पानी 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 क्यों लीक हो रहा है पानी यहाँ से सर ना ये खराब हो रहा है किसी से लेकर करेगा अच्छा सुनो ना ये गर्ल्स है नहीं बॉयज का है जी तो यहाँ का दरवाजा कहाँ है बिना दरवाजा का किसे पहले ये दरवाजा है अच्छा दरवाजा को क्यों बाहर रखा है दरवाजा नहीं लगा के नहीं दरवाजा लगा था टूट कर निकल गया कैसे टूट गया अभी इसके बारे में तो क्योंकि मैं भी ये आपका कब्जा को देख के तो ऐसे नहीं लगता आप लगाए है ये तो टूटा हुआ कब्जा ऐसे नहीं लगता एकदम नया है देखिए ना आप खुद भी देखिए नहीं नहीं निकल चुका है ये किलूल किलूल तो कहे हमें नहीं नहीं ये देखिए ना पूरा फ्रेम निकल चुका है बिना दरवाजे से कैसे टूटा है एक भी दरवाजा नहीं और ये ऊपर से देखो आपको का अनक्लीन ही क्लीन ही है बिना दरवाजा से कैसे पहले पर और सुनो ना सर उधर एक बकेट और मग लगा दो ना टॉयलेट में एक मेंबर बकेट होना और आपका मग होना बहुत ज़रूरी है और दरवाज़ा जैसे भी लगाना है दरवाज़ा लगाना ज़रूरी है नेक्स्ट टाइम विजिट करेगा आप लोग दरवाज़ा लगा के रखना है ना देखिए सर अभी इधर आइए आप ना ये एक्चुअली एकलव्य स्कूल ये हमारे स्कूल तिरविन जो है रिसेंटली कम्प्लीटेड वाला है इसको कम्प्लीशन सर्टिफिकेट देने का बाद गवर्नमेंट को सबमिट किया है उसके बाद स्कूल रन हो रहा है तो अभी ये सब खराब है ना ये सब खराब है तो इसको आप लोग का स्कूल अथॉरिटी काम करना पड़ेगा इसको मेंटेनेंस आप लोग करना पड़ेगा ये कॉन्ट्रेक्टर का काम नहीं है अभी समझ गया ना और ये हुक चुक पूरा दरवाजा बंद खराब है ये लेडीज टॉयलेट है मग एक तो मग लगा दो इधर में बकेट का साथ में बहुत ज़रूरी है नेसेसरी है में ये सब यहाँ में भी एक मग लगा दो और लाइट है इसमें ऑन करो ऑन करके रख दो ऐसे ऑन करके रहने दो कहाँ है इतना ही है आपका इधर में टोटल क्लास 6 और 7 को मिला के टोटल कितना स्टूडेंट्स है
हमको 120 120 120 अगर लाइब्रेरी में पढ़ना चाहे तो ये कहाँ से किताब लेके पढ़ेगा? यहाँ से दोनों सर, जितना वही तो कहाँ में ये इससे कहाँ से पैसे हम उतना ही तो देगा सर। अगर हमको नहीं दे मतलब हम मंगवाए ना तो जितना हमको पास है अवेलेबल है उतना ही तो दिया था। अच्छा ऐसा? हाँ। ये सेकंड सेशन हो रहे तो इस साल तो सेकंड सेशन हो रहा है लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना। आपका फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम आप ये सेशन में आए स्टार्टिंग में बिगिनिंग से? बिगिनिंग से हाँ, फर्स्ट में ये ईयर में है। तो ये बिगिनिंग से आप अभी तक किताब ऑर्डर करके देखा है? हाँ, मेरा मतलब जितना मेरा मतलब ये में था उतना आया है तो उसको हम तो ये कर रहे हैं। ये जितना आने वाला ये किताब लोग की है गिना चुना है या तो लगभग कितना 30-25-30 ही किताब होगा? 25-30 नहीं, 500 एबव 1000 समथिंग अगर काउंट करें तो दिखाइए। तो यहाँ में 1000 एबव किताब है कि नहीं बुक्स? अगर आप एक एक करके आपको काउंट करेगा तो थर्टी फोर्टी बुक्स ही होगा आपका इधर में? 50 मैक्सिमम 50 होगा। के लिए कोटा होता है? पीडब्ल्यूडी के लिए कोटा, पीडब्ल्यूडी ये दोनों। अच्छा अच्छा, और बाकी का तो ऐसा कोटा नहीं। पार सेशन में पीडब्ल्यूडी के लिए कितना कोटा होता है? तो एक ही वो आया है ये पीडब्ल्यूडी ये क्लास का न्यू सेक्शन है। आप लोग कितना कोटा प्रोवाइड करते हैं? वो कोटा तो एक्चुअली डीडीएससी उधर से मैनेज करके वो आया है तो डीडीएससी का कुछ कोटा होता है यहाँ में? बीओ का कुछ कोटा होता नहीं, है यहाँ में? ऐसा कुछ भी नहीं है। और लैंड ओनर के हिसाब से कुछ कोटा ऐसा नहीं है? ठीक है, तब तो जितना मतलब मेरिट लिस्ट में आता है और सिर्फ वो ऑर्फन का एक कोटा और इस बार का पीडब्ल्यूडी का एक, लेकिन वो लड़की क्वालिफाई कर भी गया है तो इसलिए वो आया है। और इस बार तो ऐसा कोटा में भी नहीं आया, सब मतलब मेरिट लिस्ट में आया वाला ही है।